देखा जाए तो उसमें भी अभी काफी वक्त बाकी है, लेकिन अब रुख करते हैं चुनाव का और जिस तरीके से चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है यूपी में, चुनाव संग्राम का रुख कर रहे हैं जहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में जुबानी जंग छिड़ी है। गाजियाबाद रैली में प्रधानमंत्री अखिलेश सरकार पर हमला बोलते हैं तो कुछ दूर जौनपुर में यूपी के सीएम ने पलटवार किया। ये जितने भी लोग यहां से हो या बाहर से आए हो, मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, दिल्ली सरकार क्या कर रही है, मोदी ने ऐसा किया, मोदी ने वैसा किया। अरे जब 2019 का चुनाव आएगा, ये मोदी सामने से आकर के हिसाब देगा, सामने से आकर। साथियों, एक तरफ तो काम है, उपलब्धियां हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें और आपको सबको परेशान कर दिया एक दल ने, बीजेपी के लोगों ने, काले धन के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर। बताओ, हमें और आपको सबको लाइन में लगा दिया कि नहीं लगा दिया लाइन में? बैंकों के सामने खड़ा होना पड़ गया, इतने लोग तकलीफ में कभी नहीं आए, परेशानी में कभी नहीं आए। हम गरीबों को 15 लाख रुपए भेजने का काम करेंगे। बताओ, किसी के अकाउंट में 15,000 रुपए भी आए हो तो बता दो, लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री कानूनी व्यवस्था पर भी अखिलेश को घेरते हैं और अखिलेश ने इसका जवाब दिया। अखिलेश जी जब चुन करके आए, हमें लगता था ये नौजवान है, कुछ पढ़ा लिखा है, जरूर कुछ उत्तर प्रदेश में अच्छा करने की कोशिश करेगा, लेकिन 5 साल के भीतर भीतर आपने निराश करके रख दिया, उत्तर प्रदेश का विनाश करके रख दिया। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का भविष्य बनाने का है। देश में कौन सी ताकतें आने वाले समय में राजनीतिक दिशा दें, उसके लिए भी चुनाव है। जहां समाजवादियों ने काम किया है, लगातार चीजें जमीन पर उतारी हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठा नारा देकर के गुमराह किया है लोगों को। अगर एक भी काम हमें भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें, हमारी एम्बुलेंस तो गांव में गरीब किसान की मदद कर रही है, बताओ बीजेपी वालों की एम्बुलेंस कहां है, कहीं देखी किसी ने? मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने गाजियाबाद की रैली में भी एक बार फिर समाजवादी परिवार के झगड़े पर तंज कसा तो अखिलेश ने झूठे सपने दिखाने का आरोप लगाया। श्रीमान अखिलेश जी, आपने पिताजी का क्या किया, चाचा जी का क्या किया, बहुओं का, भतीजों का, भाइयों का क्या क्या किया, वो तो उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। समय की मांग है कि आप पिछले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस आशा अरमान के साथ आपको लखनऊ में गादी पर बिठाया था, आप लोगों के बीच जाकर के उसका हिसाब दीजिए। इसलिए इनसे सावधान रहना, इन्होंने झूठे सपने दिखाए हैं, झूठे सपने दिखाए इन्होंने और पूरे देश को गुमराह किया। ये हमें और आपको मौका मिला इनको जवाब देने का। इसलिए इस चुनाव में बताओ समाजवादियों के पक्ष में माहौल है कि नहीं है, और जनता चाहती है कि समाजवादी और कांग्रेस मिलकर के एक बार फिर उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें जीते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और मायावती ने भी यूपी में सियासी पारे को ऊपर किया है। हाथरस में राहुल गांधी ने किसानों के बहाने पीएम मोदी पर हमला किया। शाहजहांपुर में मायावती ने अखिलेश पर निशाना साधा। मैंने कहा, मोदी जी हिंदुस्तान का किसान त्रस्त है,
रो रहा है, दबा हुआ है, अपने आप को कुछ महसूस कर रहा है। जैसे आपने 1,10,000 करोड़ लूटे हैं, इन 50 फुट वालों के माफ किए, वैसे आप हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ कीजिए। आपने कर्जा माफ किया 1,10,000 करोड़ रुपए 50 परिवारों का, बरस आइए किसान के लिए आप कर्जा माफ कीजिए। और मोदी जी का जवाब ऐसे मिला, देखिए कैसे अब सन्नाटा छा गया। वैसे एक शब्द नहीं निकला मोदी जी के मुंह से, मुझे जवाब उत्तर प्रदेश में जीएसटी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार भी जरूर बनाई, लेकिन इसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में अपना वोट या सपा या कांग्रेस गठबंधन को तथा बीजेपी आदि को भी ना देकर केवल अपनी पार्टी जीएसटी को ही देना होगा।